राजधानी में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सट्टा कारोबार का पर्दाफाश किया है और 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी भांगरोटा इलाके में किराए का फ्लैट लेकर के सट्टा कारोबार चला रहे थे, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर के गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों से 35 मोबाइल, 7 चार्जर, एलईडी टीवी, लैपटॉप सहित 2 कार बरामद की, साथ ही मौके से 20,000 रुपए से ज्यादा की नकदी और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। ये सट्टा आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट मैच पर खेला जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके मामले की जांच में जुट गई है। कल रात को कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि कहीं आईपीएल मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में चल रहा है, इस पर कुछ लोग बैठकर क्रिकेट पे सट्टा लगा रहे हैं। पुख्ता सूचना मिलने पर हमारे जो एडिशनल एसपी जो ऑर्गेनाइज क्राइम देखते हैं विमल सिंह, वह तथा सीआईयू टीम के जो एएसआई हैं द्वारका प्रसाद, उनकी टीम ने मिलकर एसएचओ भांगरोटा का साथ लेकर ये कार्रवाई की है, जिसमें करीब 35 मोबाइल वहाँ मौके पर जब्त किए गए हैं। 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। 7 में से 4 मेन बुकी हैं जो अजमेर के रहने वाले हैं तथा यहाँ आकर क्रिकेट के सट्टे का कार्य कर रहे थे। इसमें 3 लैपटॉप और कुछ डायरीज भी बरामद की गई है, जिसमें लाखों रुपये का हिसाब किताब वहाँ पर उसमें मिला है। अब इनको मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर आईटी एक्ट भी इसमें लगाया गया था, 427 भी लगाई गई है, क्योंकि इन्होंने मोबाइल्स का मिसयूज। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।